ब्रो, क्या आपको पता है कि आपके रिजेक्शन का क्या कारण है? मतलब कोई भी लड़की आपको रिजेक्ट क्यों कर रही है, क्या कारण हो सकता है? और दोस्त, क्या आपको पता है किसी से भी एडवाइस मांगने से उस इंसान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? और आपने बमबारी तो सुना ही होगा, लेकिन आपने कभी टॉयलेट बारी सुनी है? और आज के इस वीडियो में आपको ऐसे फैक्ट सुनने को मिलेंगे, आप भी बोलोगे ब्राइट साइंस, तो गजब है यार। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है चांद से वापस लौटने के बाद नील आर्मस्ट्रांग दुनिया के सबसे मशहूर आदमी बन गए थे? और यहाँ तक कि साल 2004 में नील आर्मस्ट्रांग के एक बाल को $3,000 मतलब 2,28,000 रुपए में बेचा गया। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, ब्रो वॉर में गोलाबारी और बम गिराने की घटना तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन अमेरिका और वियतनाम के वॉर के दौरान अमेरिका की एयरफोर्स ने वियतनाम पर एक टॉयलेट गिरा दिया था, मतलब कमोड, जिसे वैसे भी फेंका जाना था, लेकिन कुछ जेट पायलट्स ने इसे बॉम्ब की तरह यूज करने का फैसला किया। स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 8, ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार रोने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है, इसीलिए अगर आपको कभी भी रोना आए तो आप दिल खोल कर रो सकते हो, नो प्रॉब्लम। फैक्ट नंबर 7, साइकोलॉजी कहती है किसी से एडवाइस मांगना उसको अपनी ओर आकर्षित करने और उन्हें अपने करीब लाने का एक बेहतरीन तरीका है। फैक्ट नंबर 6, ब्रो कुछ लोग आपको रिजेक्ट करते हैं क्योंकि वो आपकी भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहते, उन्हें गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए, इसे ईमानदारी कहा जाता है, ईगो नहीं। फैक्ट नंबर 5, अगर आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया है और आप अब अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो अपने दांतों को उल्टे हाथ से ब्रश करना शुरू करो। अब आप बोलोगे यार ब्राइट साइंस तू क्या बोलता है, उल्टे हाथ से ब्रश करके क्या फीलिंग्स कंट्रोल हो जाएंगी? तो आंसर है एब्सोल्युटली यस ब्रो, ये आपके दिमाग को अलग तरीके से काम करने के लिए मजबूर करेगा और आपके सेल्फ कंट्रोल में काफी सुधार भी होगा। अगर नहीं विश्वास आता है तो ट्राई इट समटाइम्स व्हेन यू आर एंग्री। फैक्ट नंबर 4, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ऐसे लोग जो दूसरों की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, उन लोगों का दिल काफी सॉफ्ट होता है, ये बड़े डिसीजंस नहीं ले पाते और सबसे ज्यादा धोखेबाजी भी इन्हीं के साथ होती है। फैक्ट नंबर 3, जर्मनी की एक लेडी रिनेट वेडल ने अपनी 55 करोड़ की संपत्ति अपने पड़ोसियों के नाम कर दी। रिनेट के हस्बैंड 2014 में मर चुके थे और 2020 में रिनेट भी इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन जाते जाते वो अपने पड़ोसियों को भी मालामाल कर गई। वाओ। फैक्ट नंबर 2, दोस्त नागालैंड के मौन जिले में एक ऐसा गांव है जिसका आधा हिस्सा भारत में है और आधा म्यांमार में। इस गांव का नाम लोंगवा है। इस गांव के लोगों को भारत और म्यांमार दोनों देशों की आधी आधी नागरिकता प्राप्त है। इस गांव में कुछ घर तो ऐसे भी हैं जिनका किचन तो म्यांमार में है और बेडरूम भारत में, मतलब यह खाना म्यांमार में बनाते हैं और भारत में आकर अपने बेडरूम में आराम करते हैं। अमेजिंग। देखा ब्रो, ऐसा भी होता है। फैक्ट नंबर 1, दोस्त क्या आपको पता है आप कितनी भी प्रॉब्लम्स में क्यों ना हो या कितनी भी प्रॉब्लम से घिरे क्यों ना हो, लेकिन जिससे आप प्यार करते हो उस इंसान की थोड़ी सी आवाज भी आपके प्रॉब्लम्स को 70% तक कम कर सकती है। अमेजिंग। दिस इज द पावर ऑफ लव। ब्रो, आपको सभी फैक्ट्स में सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोस डालूंगा, आप भी बोलोगे ब्राइट साइंस अगेन, तो गजब है यार।